हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ टमाटर और कच्चे आम की चटनी, वो भी तीखी वाली, जो खाने में बहुत चटपटी होती है और स्पाइसी होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आम की चटनी बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज का आम लिया है और उसका छिलका निकालकर उसे वॉश कर लिया है और उसको काट लिया है छोटे छोटे पीसेज में। मैंने लिया है 2 मीडियम साइज का टमाटर और इसको मोटे मोटे स्लाइसेस में काट लिया है। 10 से 15 लहसुन की कलियां लिया है मैंने और 6 से 7 मिर्ची लिया है मैंने। ये वाली मिर्ची थोड़ी कम तीखी है तो मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ी पत्ता। तो अब इन सारे चीज़ों को मैं एक एक करके मिक्सी जार में डाल दूंगी और इसका दरदरा सा पेस्ट बना लूंगी। कढ़ी पत्ता को नहीं डालना है, बाकी सारे चीज़ों को डाल देना है मिक्सी जार में। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है और अब इसको हम दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। दरदरा रहने से टेस्टी बनता है चटनी, ज़्यादा बारीक नहीं करना है और हमें इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने पेस्ट बना लिया है और दरदरा सा इसको पीसा है मैंने। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दें, मैं दिखाना भूल गई थी नमक डालते समय, तो इसलिए सॉरी। मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। तो मैं अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा। तो जीरा डालने के बाद जब जीरा तड़क जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा राई। जब राई भी तड़क जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी 2 रेड मिर्ची और इसको मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद अब बारी है इसमें कढ़ी पत्ता डालने की। तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल रही हूँ और इसको भी मिक्स कर लूँगी चलाते हुए। तो अब मैं जीरा, राई और कड़ी पत्ता मिर्ची के तड़के को चटनी के अंदर डाल दूँगी। आपने चटनियाँ तो बहुत खाई होंगी लेकिन इसको बना के ज़रूर एक बार ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इसको रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए, ये ख़राब नहीं होगा और जब मर्जी तब थोड़ा सा निकाल के खा सकते हैं आप। अगर ये मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।